तो दोस्तों आज हमारा जो टूर है वो है गुलमर्ग का। आज हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे वहाँ पे और जो जो प्लेसेस हम कवर कर सकते हैं कुछ टाइम में। तो अभी हमारे साथ हैं भाई यूनिस, भाई का नाम है यूनिस। तो ये हमारे गाइड हैं आज और ये सोहेल भाई के ब्रदर हैं जी, ठीक है। तो ये आज हमें सारा यहाँ पे एक्सप्लोर करवाएंगे कहाँ कहाँ हमें जाना है, क्योंकि बिना गाइड के अगर हम जाएंगे तो हम एक तो पता नहीं होगा कि हमें जाना कहाँ है, सेकंड थिंग कि जो लोकल वहाँ पे आपको सर्विसेज वाले होते हैं वो आपको मुंह मांगा रेट मांग सकते हैं, कभी वो 500 मांगेंगे किस चीज़ का, कभी 1000 मांगेंगे। तो अभी हम हैं, ये कौन सा पॉइंट है भाई? इसको जिग मोड कहते हैं। ये है जिग मोड, जिग ओके जिग ओके, ये है जिग मोड। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि आसपास का एरिया कैसा है, अभी आपको दिखाते हैं। तो यूनुस भाई बताओ, थोड़ा आगे आओ यहाँ पे जी। हाँ, अभी बताओ थोड़ा सा इस यहाँ के एरिया के बारे में। जी बिल्कुल भाई, इस मोड को जिग मोड कहते हैं एंड दिस इज द व्यू पॉइंट इन द गुलमर्ग। यहाँ से आपको पूरा ये पीर पंचाल का रेंज दिखेगा आपके राइट साइड में, और आपके लेफ्ट साइड में आपको पूरा हिमालयन रेंजेस दिखेगा, ठीक है। और नीचे को अगर देखोगे, नीचे को आपको पूरा द्रंग एरिया मिलेगा, द्रंग वैली जिसको कहते हैं, जहाँ पे फ्रोजन वाटरफॉल है। जी बिल्कुल, जहाँ पे फ्रोजन वाटरफॉल है और वर्ल्ड का रिन्यून स्ट्रीम है जिसको फेरोसपोरा नाला बोलते हैं फॉर इट्स ट्राउट फिशेज, रेनबो ट्राउट फिश। वो भी वहीं पे द्रंग में ही है। जी वो द्रंग में ही है। और आपका घर भी द्रंग में है? नहीं, द्रंग में नहीं, मैं द्रंग के क्लोज रहता हूं। क्लोज, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो आज हम ये जो एरिया है इसके बाद हम जाएंगे गुलमर्ग, और वहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम गंडोला के लिए जा रहे हैं। हाँ, उसके बाद फिर जो जो मिलता जाएगा वो वो एड ऑन करते रहेंगे। तो दोस्तों जिग पॉइंट से अप्रोक्सीमेट 2 किलोमीटर आके ऊपर आके यहाँ पे एक और व्यू पॉइंट है, आप देखेंगे। ये सारा गवर्नमेंट ने ये बनाया होता है ताकि टूरिस्ट यहाँ पे रुक के फोटोज वगैरह जो है वो यहाँ पे ले सकें, और बोन फायर करते हैं जब ज़्यादा ठंड होती है तो। तो अभी आप नज़ारे देखेंगे, सामने पूरी पहाड़ियाँ जो हैं वो बर्फ़ से लदी हुई हैं। यहाँ पे आपको तीनों वैरायटीज जो गुलमर्ग में पेड़ों की पाई जाती है, एक पाइन, ठीक है, और पाइन के पीछे एक और दिखेगा जिसको फर बोलते हैं। जो सामने है जिसपे स्नो है इसको देवदार बोलते हैं, जिसका हाउस बोट्स और बोट्स बनती है। और जो आपने मैन वर्सेस वाइल्ड देखा उसमें बेयर ग्रिल खाता है चीड़ की वो पत्तियाँ शत्तियाँ, ये है। अच्छा, ये नीचे है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं थर्ड फेज में, जो थर्ड व्यू पॉइंट है। तो भाई जान, ये सामने कौन सी पहाड़ियाँ हैं? जी भाई, जो आप थर्ड व्यू पॉइंट पे खड़े हो, पहाड़ियाँ तो सेम है, दिस इज हिमालयन, बट जो नीचे का एरिया आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ जो विलेज आपको दिख रहे हैं ये अपने बारामूला में पड़ते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे आगे, ये व्यू पॉइंट का स्नो की वजह से टूट चुका है। ये यहाँ पे पहले जो है, ये आप देखेंगे सामने, यहाँ पे खड़े होकर आप फोटोज़ वगैरह खींच सकते थे, बट अभी ये टूट चुका है, अभी ये मेंटेन नहीं है। नेक्स्ट टाइम समर्स में रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि अभी बर्फ नहीं आता है, कोई यहाँ पे रिपेयर कैसे करेगा। बाकी ये नीचे हट्स हैं, ये भी हट्स हैं। प्राइवेट हट्स किस तरफ हैं भाई? यहाँ पे सराउंडेड है, यहाँ पे जीडीए की हट्स हैं। अच्छा। जी वो आपको हर जगह मिल जाएगी, बट जहाँ अभी आप मेनली खड़े हो ये वीआईपी जोन है, यहाँ पे वीआईपीज की हट्स ज़्यादा है, ठीक है। और जो मेन है, जैसे आपको पता है ये गुलमर्ग कप शेप में बना हुआ है। अच्छा। तो होटल्स और कॉटेजेस हमको एवरी कॉर्नर में मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी हैं हम बिल्कुल गुलमर्ग के सेंटर में, और ये जो है ये पीछे एरिया आप देखेंगे सर, क्लब एरिया है।
यहाँ पार्टीज़ वगैरह होती हैं, फेस्टिवल वगैरह जो होते हैं उसको सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पे। न्यू ईयर पे हम यहीं पे थे। और इसके ऑपोजिट ये सारा कौन सा एरिया भाई जान? ये फेस्टिवल एरिया है। यहाँ पे जो है सारे फेस्टिवल वगैरह लोग इन्जॉय करते हैं, बट अभी स्नो के कारण ये अभी थोड़ा बंद है, ठीक है, बट थोड़े टाइम में ये खुल जाएगा, उसके बाद फिर करेंगे लोग इन्जॉय। बाकी आप देखो कितना सुंदर है। राइट नाउ अभी हम जो खड़े हैं भाई, इसको गोल्फ क्लब कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो एरिया आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा गोल्फ कोर्स है। एशिया का हाईएस्ट अल्टीट्यूड पे बना हुआ 18 होल गोल्फ कोर्स है, बट विंटर टाइम्स में इसको यूज करते हैं एज अ स्लोप टू टीच न्यू स्कीयर्स टू हाउ टू डू स्की। सारे लर्नर्स हैं जो सीख रहे हैं, बिगिनर्स। और यहाँ पे न्यू ईयर का फंक्शन जो हुआ था, ये उसी के लिए स्टॉल्स बने हुए हैं। हम यहीं पे आए थे जी, बिल्कुल। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं हम गंडोला राइड के लिए। तो गाड़ी पार्क हो गया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से अराउंड 100 मीटर हमें जाना पड़ेगा। पार्किंग जो है यहाँ पे रोड साइड पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं और आप देखेंगे हर जगह यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो अभी हम जाएंगे गंडोला राइड के लिए। तो दोस्तों अभी हम गुलमर्ग में, तो पीछे आप देखिए गुलमर्ग गंडोला केबल कार कॉरपोरेशन। तो अभी चलेंगे मंदिर और दिखाते हैं आपको कितना टिकट्स है और कितना टाइम लगता है, ये सारा कुछ आपको अभी दिखाते हैं। ये है वे टू गंडोला और यहाँ से जाएंगे मंदिर। सो दिस इज द एंट्री पॉइंट एंड आप अंदर स्मोकिंग नहीं कर सकते, ठीक है, दिस इज द एंट्री पॉइंट। ये है टिकट, इस तरह के टिकट्स होते हैं, ये सागर कोटे की वन पीस की, ठीक है, तो टू टिकट्स के साथ ये जा रहे हैं। और भाईजान बताइए कितना यहाँ पे भीड़ होता है जब यहाँ पे समर के टाइम? जी भाई, अभी जो आप क्यू देख रहे हो ना भाई, वो 1% भी नहीं है। समर टाइम में ये पूरा सेकंड स्टोरी का वेटिंग हॉल फुल, फर्स्ट स्टोरी का वेटिंग हॉल फुल, और यही लाइन निकल के जो मेन गेट है वहाँ से बाहर तक जाती है, और टिकटों के लिए अलग से क्यों लगती है? अलग से क्यों लगती है? जी भाई, हम स्टेशन में पहुँच चुके हैं। यहाँ से कैबिन लाइन जो देख रहे हो, ये कैबिन में बैठने के लिए है। यहाँ से हम सीधा कैबिन में बैठ के फेज वन पंगडोरी जा रहे हैं। विनीत भाई को थैंक्स, इन्होंने हमारे लिए सेपरेट कैबिन अरेंज करवाया है, अदरवाइज एक कैबिन में 6 लोग आते हैं, ठीक है। तो अभी हमारी स्टार्टिंग हो चुकी है, और ये कितने मिनट की राइड है भाईजान? सर अप्रोक्सीमेटली 7 मिनट की राइड है। हाँ। डिपेंड करता है, अगर लाइट रहेगी तो 7 ही मिनट लगेगी, अगर जेन सेट पे चल रहा होगा तो लिटिल बिट एक्सटेंड हो सकता है। ओके, दोस्तों ये जो केबल कार है, ये अप्रॉक्सीमेट इसकी लेंथ है 2.5 किलोमीटर, एंड ये हाइट पे है लगभग 10,000 से ऊपर, 10,500 के आसपास। यहाँ ऊपर से लोग जो है स्कीइंग करके आते हैं। मेनली जो केबल कार बना था, इसका फर्स्ट मोटिव था स्कीयर्स को अट्रैक्ट करना, ताकि उनको वास्ट स्लोप्स मिले स्कीइंग के लिए, क्योंकि यहाँ की स्नो जो है वर्ल्ड की बेस्ट मानी जाती है पाउडर स्कीइंग के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे पीछे आप देखेंगे, पीछे हमारे सामने ओल्ड लिफ्ट थी, जहाँ पे आप भाई जान बताएंगे क्या क्या कौन कौन सी मूवियों की शूटिंग भी हुई है। भाई मेनली यहाँ पे जो आपको पता है, ये शम्मी कपूर गुलमर्ग कश्मीर को स्पेशली काफी लाइक करते थे, तो उनके काफी गाने इस ओल्ड लिफ्ट पे हुए हैं, जो कि चेयर कार टाइप होती थी, ओपन रहती थी। ओपन रहती थी जी, बिल्कुल। और उस टाइम में ये हाईएस्ट पीक था टूरिस्टों के लिए आने के लिए, बट 2000 से केबल कार का फेज वन स्टार्ट हुआ है, जिससे टूरिस्ट ऊपर तक जाते हैं, और सेकेंड फेज 2005 से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे टाइमिंग दी जाती है। ओके, टाइमिंग दी जाती है। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ, और आपने देखा है ये जो रेड कलर की गंडोला है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं,
अभी ये जा रहे हैं सेकंड फेज की तरफ और हम बढ़ रहे हैं आगे। हाँ भाई जान, सेवन स्प्रिंग क्यू। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, एक्टिविटीज़ यहाँ करने के लिए बहुत हैं, ठीक है। तो आगे आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। अभी हम जा रहे हैं सेवन स्प्रिंग की तरफ। वो हॉट स्प्रिंग नहीं है, कोल्ड स्प्रिंग है, बट आगे जाके सेवन स्प्रिंग है, ठीक है। और ये जो सारा एरिया है बहुत सुंदर है, बिल्कुल आप देख सकते हैं प्लेन की तरह है। ऐसा नहीं है कि बहुत हिल एरिया है, प्लेन काफ़ी खुला एरिया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ जो भाई आप सामने ये वेल देख रहे हो, ये एक्चुअली स्प्रिंग है जो कि अंडरग्राउंड वाटर निकलता है। बट इसकी खास बात ये है, जब यहाँ के सारे टैप शैप जम जाते हैं तो इसका पानी कंटिन्यूस बहता रहता है। और समर टाइम में जब टैप वाटर गर्म रहता है, इसका कंपेयरिंग टू दैट पानी ठंडा रहता है। और नाम इसका सेवन स्प्रिंग है क्योंकि इसमें सात जगह से पानी निकलता है, तो उस वजह से नाम पड़ा है सेवन स्प्रिंग। तो यहाँ पर आपको जो फैसिलिटीज मिलती हैं, यहाँ आपको रेस्टोरेंट वेज नॉन वेज हर टाइप के, यहाँ पे आप देखेंगे फलक रेस्टोरेंट है। मैंने सुना है ये काफ़ी ज़्यादा जो है फेमस है और अब खाने की जो है हर कोई तारीफ़ करता है। आगे मून स्टार है, माउंट व्यू है, ठीक है, रॉयल स्प्रिंग है। तो यहाँ पे बहुत रेस्टोरेंट्स हैं, लास वेगस भी है भाई, अमेरिका वाले भी यहाँ पहुँच गए क्या? तो ये है सारा नज़ारा। और अभी चलेंगे हम थोड़ा नीचे की तरफ। और ये हैं स्नो स्कूटर कह लो, स्नो बाइक्स कह लो। काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे करने के लिए, अगर टाइम निकाल के आएँ तो आप काफ़ी एक्टिविटीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे आपको जो एक्टिविटीज़ गुलमर्ग में होती हैं। तो उससे पहले ऐसे रिक्वेस्ट है आपसे कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।